दोस्तों, ज्यादातर लोगों को बस, गाड़ी, प्लेन से ज्यादा ट्रेन में सफर करना पसंद होता है। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ट्रेन सबसे सस्ता परिवहन है। ट्रेन से सफर के दौरान आप घने जंगल, घास के मैदान, नदी, पहाड़ आदि सहित कई नज़ारे देख सकते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे कई रेलवे ट्रैक भी हैं जो प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ खतरों और रोमांच से इतने भरे हुए हैं कि कमजोर दिल वाले इंसान को इन रूटों पर यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए आपको दुनिया के 6 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में बताते हैं। नंबर 1, चेन्नई से रामेश्वरम रूट। चेन्नई और रामेश्वरम को जोड़ने वाला रूट दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवेंचरस रेलवे ट्रैक्स में शामिल है। इस रूट का ट्रैक, जिसे पवन ब्रिज कहते हैं, हिंद महासागर के ऊपर बना हुआ है, जो कि 2.3 किलोमीटर लंबा है। इस पुल का निर्माण 1914 में किया गया था। यह पुल उस समय सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाता है जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और आने वाली लहरें ट्रेन यात्रा में रुकावटें पैदा करती हैं। नंबर 2, साल्टा पोलवेरिलो ट्रैक। अर्जेंटीना साल्टा को चिली पोलवेरिलो से जोड़ने वाला 217 किलोमीटर लंबा ये ट्रेन मार्ग अर्जेंटीना शहर में मौजूद है। इस खतरनाक और रोमांच से भरपूर ट्रैक को 1948 में लगभग 27 वर्षों के निर्माण के बाद खोला गया था। आपको बता दें कि ये रेलवे ट्रैक 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मार्ग से ट्रेन 29 पुलों और 21 सुरंगों को पार करती है, जिसकी वजह से ये ट्रैक रोमांच और खतरों से भरा बन जाता है। नंबर 3, डेविल्स नोज। इक्वाडोर, नोज ऑफ द डेविल इक्वाडोर को नरीज डेल डियाब्लो के रूप में भी जाना जाता है। नोज ऑफ द डेविल समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये दुनिया की सबसे डरावनी ट्रेन की सवारी में भी शामिल है। 1872 में शुरू हुआ इसका निर्माण 1905 में जाकर पूरा हुआ है। इस पहाड़ से उत्पन्न समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक जिगजैग रेलवे का निर्माण किया, जो 12 मिनट से कम समय में 500 मीटर से अधिक की चढ़ाई करती है। ट्रैक दक्षिण अमेरिका में इंजीनियरिंग के सबसे प्रभावशाली साथ ही खतरनाक करतबों का प्रतिनिधित्व करता है। नंबर 4, एसो मियामी रूट। जापान, मियामी एसो मार्ग जापान में सबसे चुनौतीपूर्ण रेल पटरियों में आता है, जो माउंट एसो के आसपास के क्षेत्र को पार करता है। आपको बता दें, 2016 में कुमामोटो में जो भूकंप आया था, उस दौरान ट्रैक का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और तब से इस मार्ग का उपयोग बहुत कम हो गया है। आसपास ज्वालामुखी की सक्रियता इस रेल ट्रैक को विशेष रूप से खतरनाक बनाती है। आसपास के घने जंगल इस ज्वालामुखी की वजह से झुलसे पड़े हैं। नंबर 5, व्हाइट पास और यूकोन रूट। अलास्का, व्हाइट पास और यूकोन रूट अलास्का से व्हाइट हॉर्स यूकोन बंदरगाह को जोड़ता है। इस एडवेंचरस ट्रैक का अनुभव करने के लिए लोग इस मार्ग से ट्रेन की यात्रा करना पसंद करते हैं। आपको बता दें, अलास्का के ट्रेन रूट पर आप सुंदर दृश्य तो देख सकते हैं, लेकिन ये अपनी 3000 फुट की चढ़ाई के लिए खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस ट्रैक को बनाने के लिए पहले पहाड़ों को विस्फोट करके तोड़ा गया था और उसके बाद ट्रैक बनाया गया था। नंबर 6, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन खतरनाक मार्ग से नहीं बल्कि चोरी और हमले की वारदातों की वजह से चर्चा में रहता है। केप टाउन की ट्रेन लाइन अक्सर चोरी और हमलों से पीड़ित रहती है, जिसकी वजह से संचालन को सुचारू रूप से चलाने में बेहद रुकावटें आती हैं। इन सब की वजह से 10 में से कम एक ट्रेन को दैनिक आधार पर कैंसिल करना पड़ जाता है, जो वाकई में एक गंभीर विषय है।